हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, आपको दो तीन क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, चाहे वो रेलवे का हो, IBPS हो, SSC हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का यह वॉल्यूम 1 है। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम हार्ड प्रश्नों पर जाएंगे। मैथ्स के हमारे वीडियो का एक खास बात आप नोट करेंगे कि आपको कहीं भी फॉर्मूला का यूज़ बहुत ही कम करना पड़ेगा, नहीं के बराबर करना पड़ेगा। मैं आपको हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप खुद ब खुद बिना फार्मूला याद किए बनाने लग जाएंगे, सॉल्व करने लग जाएंगे क्वेश्चन को। तो आइए, समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान पार्टनर को, ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म सीख लेते हैं। आइए देखते हैं कि वो बेसिक टर्म क्या है। ये जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो है ये, जैसे कि कॉस्ट प्राइस, आपने नाम सुना ही होगा कॉस्ट प्राइस, जिसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं जिसको क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस जिसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब कॉस्ट प्राइस क्या है कि जैसे कोई भी वस्तु है, एक ये दुकानदार बेच रहा है, इसको हमने खरीदा, ये तो दुकान था, शॉप था, और ये हम कोई भी पर्सन थे वो खरीदे, तो ये अगर ये दस रुपये में बेच रहा है तो इसके लिए क्या होगा, ये क्रय मूल्य होगा। लेकिन चूंकि ये बेच रहा है, इसके लिए ये प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। या तो पहले हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई एक दुकानदार है, पहले तो एक कोई दुकान है, फैक्ट्री है, ये सामान बनाता है, यहां से एक दुकानदार कोई सामान खरीदता है, एक दुकानदार इस पे सामान खरीदा, दस रुपये में खरीदा, और फिर ये दुकानदार अपने ग्राहक को बेच देता है सामान, अपने कोई ग्राहक को सामान 15 रुपये में बेच दिया। तो ये जो शॉपकीपर है, ये 10 रुपये में खरीदा है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, क्योंकि वो जो खरीदने वाला जो कॉस्ट प्राइस है, उसी को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जितने भी रुपये में हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और ये फिर इसको 15 रुपये में बेच दिया तो विक्रय मूल्य हो गया। मतलब यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस हो गया, जिसको CP भी शॉर्ट में बोलते हैं, वो 10 हो गया, और SP मतलब सेलिंग प्राइस जो हो गया वो 15 हो गया। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस हो गया। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने के बाद जो मेन है वो क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 पर्सन हैं, कोई X, Y और Z। X ने मान लीजिए कोई सामान 10 रुपये में खरीदा, और ये क्या किया कि ये Y को बेच दिया, Y कितने में इसको खरीदा, 20 रुपये में। मतलब X ने खरीदा 10 रुपये में, छोटा दुकान, बड़ा दुकान था, फिर इसने छोटे दुकान Y को बेच दिया 20 रुपये में। अब ये क्या है कि ये Z को बेच दिया, फिर जो कि ग्राहक है मान लीजिए, ये 30 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाला है कि ये जो 20 रुपये है, अगर हम X के सेंस में बात करेंगे तो X इसको 20 रुपये में बेच रहा है, तो X के लिए ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, और ये Y खरीद रहा है, तो Y कितने में खरीद रहा है, 20 रुपये में, तो Y के लिए कॉस्ट प्राइस है। तो ये भी हम लोग ये समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस एक ही नहीं है। अगर ये Y के सेंस में बात करेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस होगा, और ये अगर X के सेंस में बात करें तो सेलिंग प्राइस होगा। मतलब X इसको 20 रुपये में बेच रहा है, तो X का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 20 रुपये, और Y 20 रुपये में खरीद रहा है, तो Y का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपये होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें एक और आता है मार्क प्राइस। जिसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। ये होता है कि एक दुकानदार है कोई भी, फैक्ट्री से सामान खरीदा 100 रुपये में। उसके बाद जब दुकान में वो उसको दुकान में लगाता है, तो दुकान में उसका अपना वो कोई दाम उसके ऊपर लिखता है। जैसे कि आप जाते होंगे मॉल वगैरह में, तो जो भी कपड़े टंगे हुए हैं उसमें उसका
प्राइस लिखा हुआ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस। मान लीजिए उसमें 150 लिख दिया तो ये उसका मार्क प्राइस हुआ। लेकिन क्या करता है, कभी कभी उस पर डिस्काउंट देता है, उसको फिर कितने में बेचेगा, वो 120 रुपये में बेचेगा। 150 तो लिख रखा है लेकिन उस पर कुछ डिस्काउंट दे रहा है आपको, तो 120 में बेच रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये दुकानदार का कॉस्ट प्राइस हो गया। उस पर ये दाम उसने लिख रखा है तो ये क्या हो गया, 150 रुपया मार्क प्राइस हो गया, अंकित मूल्य। और उसके डिस्काउंट के बाद जो ये बेच दिया, ये उसका विक्रय मूल्य हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ। ये तीन चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्क प्राइस किसको बोलते हैं, अंकित मूल्य मतलब जितना दाम वो लिख रखा है, जितने में ख़रीदा वो कॉस्ट प्राइस, और फिर जितने में बेचा वो उसका सेलिंग प्राइस। ये हो गया। उसके बाद आता है लाभ और हानि। लाभ हानि तो सिंपल आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं चलो एक बार फिर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि अगर हम लोग कोई वस्तु 10 रुपये में कोई भी ख़रीदा और उसको 20 रुपये में बेचा या 12 रुपये में बेचा, मतलब ये 10 से अगर बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जब भी बड़ा होगा, क्रय मूल्य से जब भी विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो ये हमारा लाभ होगा, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य छोटा होगा, बाई चांस 10 रुपये में खरीदा और इसको 8 रुपये में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, लाभ नहीं होगा, यहाँ पर हानि होगा। तो जब भी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य छोटा होगा तो हानि होगा, और हम लोग निकालते हैं ये दोनों में आपस में माइनस करके ही निकालते हैं। अगर ये बड़ा है, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो हानि हो रहा है, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो लाभ हो रहा है। 10 में 60 हो जाएगा तो 2 रुपये हानि होगा। ये तो सिंपल ही है, सभी को हम लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग को पूछता है वो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पूछता है। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बुक में आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, लेकिन फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, फार्मूला नहीं भी याद रहता है तो हम लोग यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत टिपिकल, कोई भी याद करने वाला फार्मूला नहीं रहेगा, हम लोग बिना फार्मूले के ही सॉल्व करेंगे सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पर। तो लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखेंगे आगे। लेकिन इसमें एक चीज़ सबसे जो ज़्यादा है वो ध्यान देने वाला चीज़ क्या है कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर गणना की जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर गणना की जाती है। ये चीज़ ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है कि लाभ या हानि जो भी गणना करते हैं वो किस पे करते हैं हम लोग, क्रय मूल्य पर की जाती है। जैसे कि जब भी हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो वो क्रय मूल्य के सेंस में निकालेंगे। जैसे कोई 100 रुपये है और इसको 120 में बेच रहा है, 120 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ लाभ कितना हो रहा है, 20 रुपया। तो 20 रुपया कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो ये प्रतिशत कितना है तो हमेशा इससे तुलना करेंगे। बाई चांस ये 100 में हमने ले लिया तो 20 प्रतिशत हो जाएगा। जैसे ये 200 रुपया में ख़रीदा और इसको 240 रुपया में बेचा तो ये 40 रुपया लाभ हो रहा है, लेकिन प्रतिशत हम निकालेंगे तो इससे तुलना करेंगे कि 200 में 40 रुपया लाभ हो रहा है तो 100 में कितना, तो 100 में 20 रुपया लाभ हो रहा है तो 20 प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 में निकाला जाता है। तो जो भी हम लोग, ऐसा नहीं है, कभी कभी लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, 240 में देखते हैं कि 240 में 40 रुपया लाभ हुआ तो 100 में कितना, ये नहीं, हमेशा ये क्रय मूल्य पर हम लोग गणना करेंगे, विक्रय मूल्य पे नहीं। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जब भी निकालेंगे तो वो क्रय मूल्य से तुलना करेंगे, ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे तो आगे आसानी होगी। ये 200 रुपये में 40 रुपया लाभ हुआ तो 100 रुपये में कितना, तो 200 में 40 हो रहा है तो 100 इसको आधा कर, इसको भी आधा कर देंगे तो 20 रुपये हो जाएगा, तो 100 में 20 मतलब 20 प्रतिशत लाभ हो रहा है। हानि भी अगर हो रहा है, जैसे ये 200 में ख़रीदा और 160 में बेच दिया, अब यहाँ 40 रुपये हानि हो रहा है, 40 रुपये हानि हो रहा है तो इसमें भी प्रतिशत 20 प्रतिशत ही होगा, क्योंकि ये 200 पे हम लोग तुलना करेंगे, 200 में 40 रुपये हानि हो रहा है तो 100 रुपये में 20 रुपये हानि होगा तो 20 प्रतिशत होगा। मतलब ये विक्रय मूल्य को हमें नहीं देखना, 160 पे या 140 पे नहीं जाएंगे, तो ये चीज़ भी हम लोग ध्यान में रखेंगे तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेडियो को 1960 रुपया में खरीद कर 1862 रुपया में बेचने पर हानि प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे दे दिया है कि हानि प्रतिशत कितना होगा पूछ दिया है, नहीं तो कभी क्वेश्चन ऐसा रहता है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताएं, तो लाभ होगा कि हानि ये तो हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि क्रय मूल्य 1960 है और विक्रय मूल्य यहाँ पर 1862 है, मतलब वो कम में बेच रहा है, खरीदा 1960 में और उससे कम में बेच रहा है, तो यहाँ पर हानि ही होगा। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम लोग लिख लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है 1960 और विक्रय मूल्य है 1862। ये सब आपको मन में समझना है, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम लोग यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ पे हानि कितना हुआ, हानि तो सिंपल हम लोग निकालते हैं कि क्रय मूल्य में यहाँ विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो हानि होगा। 1960 माइनस 1862, ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 रुपीज़। अब हानि तो ये कोई भी निकाल लेगा, हम लोग भी निकालते हैं, यह सब कोई जानता है, लेकिन यहाँ पे हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो हानि प्रतिशत निकालने के दो तीन मेथड हैं जो आप जानते होंगे, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि शॉर्टेस्ट मेथड क्या है। हम लोग अभी सभी मेथड पर चर्चा करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं कि शॉर्टेस्ट मेथड क्या है। अभी हमने बताया था कि जब भी हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत की बात करेंगे तो वो क्रय मूल्य पे करेंगे, क्योंकि हमारा जो पैसा लगता है वो यहाँ पे भले ही 1862 कम है, लेकिन हमने पैसा लगाया 1960 रुपया, ये उस पर 98 रुपया हानि हुआ है, 1862 पे नहीं, 1862 नहीं, हम जो पैसा दुकान में लगाए हैं वो 1960 है। इसलिए हमेशा जब भी हम लोग लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की बात करते हैं तो क्रय मूल्य पे ही जाते हैं, क्रय मूल्य पे ही उसको तुलना करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि कोई आदमी 1960 रुपया लगाया और उसको हानि कितना हुआ, 98 रुपया। तो एक एक नियम से चलेंगे हम लोग, तो 1 रुपया अगर वो लगाता तो हानि कितना होता, 98/1960। एक एक नियम में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, एक पे तो इधर वाला नीचे आ जाता है, तो ये 100 में, क्योंकि हमें प्रतिशत, जब भी प्रतिशत जो बात करता है वो 100 पे बात करता है कि 100 रुपया में कितना, प्रतिशत का मतलब वही होता है, प्रतिशत मतलब पर 100, तो 100 में कितना, तो 98 × 100/1960। अब इसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये 5% आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आराम से 5 आ जाएगा। तो ये 5% हमारा आंसर हुआ एक एक नियम से। ये भी बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें भी इतना नहीं लिखना है हमें, बस 1960 में 98, तो 1 में तो इतना और 100 में बस इतना, इसको काट देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हुआ एक एक नियम से। एक है इसी को मतलब हम लोग दूसरे टाइप से, जैसे हम लोग लिखते हैं इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए और टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा। जैसे ये 1960 में कितना हानि हुआ, 98, तो हमें 100 में पूछ रहा है 100 में कितना, क्योंकि प्रतिशत मतलब अभी जैसे बताया कि प्रतिशत का मतलब ही होता है कि 100 में कितना होता है, तो ये 1960 में 98, तो 100 में कितना, तो इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाएगा। ये जहाँ जो भी हमें आंसर निकालना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको इससे और इसको इससे, और ऊपर में कौन सा रखना है, जिधर दो टर्म हमको मिल रहा है, इधर देखिए एक ही टर्म है, तो जो दो टर्म मिल रहा है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे हमेशा, 98 × 100/1960। इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ पर आया 5, वैसे यहाँ पर भी आएगा 5, 5%, ये हमारा आंसर हो गया। ये जो मेथड है वो ये बेस्ट मेथड है, समय को बचाने वाला मेथड है, कि 1960 में 98, तो 100 में कितना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि जिधर दो टर्म मिल रहा है इधर हमें एक टर्म मिल रहा है, इधर दो टर्म है उसको ऊपर रखेंगे और जो एक टर्म है उसको नीचे रखेंगे, तो ये हमारा इजी हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया 5%। अब एक हमने वो, अगर आपने हमारा वो देखा होगा वीडियो, परसेंटेज का वीडियो देखा होगा, तो उसमें एक हमने बताया था फाइनल बटा इनिशियल इंटू 100। इससे भी हम लोग को निकलता है, यहाँ फाइनल और इनिशियल क्या है, क्रय मूल्य वो 1960 में खरीदा और 1862 में बेचा, तो ये हमारा फाइनल हुआ, क्योंकि पहले ये इसने खरीदा और ये बाद में इसको बेचा है, तो हमारा फाइनल क्या है यहाँ पे, 1862,
और इनिशियल क्या है हमारा पे 1960 × 100। इसको जब हम लोग काट कर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 95 आएगा। अब यहाँ पे ये हमारा फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे अगर ये पूछते रहता है कि लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत, तो हमें वो पहले देखने का ज़रूरत नहीं है कि क्रय मूल्य बड़ा है या विक्रय मूल्य बड़ा है। यहाँ पर अगर ये 100 से 5 कम आया तो ये 5% हमारा हानि हो गया। अगर ये 105 आता तो 5% लाभ हो गया। मतलब इसको 100 से तुलना कर देंगे और हम लोग को यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को जो मेथड अच्छा लगता होगा, इसे हमारे हिसाब से तो वही मेथड अच्छा है जो अभी पहले हमने बताया, लेकिन इसमें एक वो फ़ायदा है कि हमें वो लाभ या हानि कुछ चेक नहीं करना है बस डायरेक्ट, और ये भी नहीं निकालना है, डायरेक्ट हमें इसी से आंसर मिल जाता है। ये हानि जो माइनस करके हमने निकाला 98, वो भी निकालने का इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ये कैलकुलेशन अच्छा है तब, क्योंकि ये हमें काटना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, ये जो भी है काटना तो सभी में पड़ेगा, लेकिन इसमें ये भी मेथड मेरे हिसाब से बेस्ट ही है। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक दो बार आप ट्राई करेंगे, ये फार्मूला को याद रखेंगे तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अभी ये इजी क्वेश्चन से चल रहे हैं, एक दो क्वेश्चन इजी चलेंगे, उसके बाद फिर हार्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो कि SSC CGL में आया हुआ है या 10+2 में आया हुआ है, और धीरे धीरे हम लोग हार्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, इफ़ ए चेयर सोल्ड फॉर ₹600 एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द चेयर इज। ये जो क्वेश्चन है SSC CHSL 10+2 लेवल का जो क्वेश्चन होता है SSC का, उसमें आया हुआ है। ये एग्ज़ाम हुआ था 20 दिसंबर 2015 को, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है भले ही 10+2 लेवल में आया हुआ है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको कितने आसानी से सॉल्व करते हैं। हिंदी में क्या है, यदि एक कुर्सी 20% के लाभ पर ₹600 में बेची गई हो तो कुर्सी की मूल कीमत क्या है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ समझना है। एक क्वेश्चन है वो एक कुर्सी है वो 20% के लाभ पर बेची गई है। मान लीजिए वो जो पहला वो दाम रखा वो 100% रखा, कोई भी दाम शुरू में रखेगा उसको 100% ही मानते हैं, उस पर क्या क्या ये 20% लाभ लिया, तो ये बिका कितना में, 120% में। अब 120% में बिका है तो इसी का ये जो रेट दिया हुआ है वो ₹600 दिया हुआ है, तो हमें ये 100% का निकालना है कि वो दाम कितना, वो जो मूल्य था वो कितना रखा था, 20% लाभ में बेचा है तो खरीदा कितना में था। तो ये भी बहुत सिंपल है, जैसे अभी हमने बताया कि सबसे इजी स्टेप होता है, यहाँ 120% में वो बेचा है जो है उसका दाम ₹600। इसी चीज़ को समझना है कि ये जो ₹600 वो 120% ही है, क्योंकि 100% तो उसका 100% में खरीदा, 20% लाभ लिया तो कितना हो गया 120%, तो 120% बराबर 600, तो पूछ रहा है कि 100% बराबर कितना, क्योंकि इसी का दाम पूछ रहा है कि वो मूल कीमत उसकी कितनी थी। मूल कीमत हमने 100% इसको मान कर रखा है। अब इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस में हमने क्या बताया था कि जिधर दो टर्म मिल रहा है उधर उसको पहले हम लोग रखेंगे 600 × 100, और जिधर एक टर्म मिल रहा है उसको नीचे रखेंगे। अब इसको हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ₹500, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, बस ये समझना है इस टर्म को, ये समझना है कि है क्या। एक कुर्सी की कीमत 20% के लाभ पर बेची गई, जब भी 20% लाभ करेंगे तो हम लोग 100 + 120 कर देंगे, और 20% हानि बोलेगा तो 100 - 20 कर देंगे। ये भी आगे क्वेश्चन से हम लोग ये भी इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलेगा 20% लाभ पर तो 120 = 600, तो 100 बराबर कितना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। या बोलेगा कि 15% हानि पे ₹600 में बेचा गया, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 85 = 600, तो 100 बराबर कितना, यही हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% हायर देन द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 5%, द परसेंटेज ऑफ हिज प्रॉफिट इज। ये क्वेश्चन SSC CHSL 10+2 में आया हुआ है, जो एग्जाम हुआ था 6 दिसंबर 2015 को। आइए इसको देखते हैं हिंदी में क्या है। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 5% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है।
अब यहाँ पे हम लोग का ये सिंपल है कि एक दुकानदार है, मान लेते हम लोग इसको कि ये 100 रुपये में कोई सामान खरीद के लाया, 100 इसलिए हम लोग मानेंगे क्योंकि 100 मानने से क्या होगा, हमें परसेंटेज वगैरह निकालने में भी आसान होगा और जो आंसर भी आएगा हमारा वो डायरेक्टली आएगा। हर जगह हम लोग 100 लेके ही चलेंगे, जहाँ भी मानना होगा वो 100 मानेंगे। तो ये 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा, अब क्या करता है कि 20% उसका अधिक मूल्य अंकित करता है। तो ये देखिए 100 का 20% निकालना भी हमारा आसान है, 100 का 20% 20 होता है, तो 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था और लागत मूल्य था और 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो 100 का 20% 20 होता है, 100 में अधिक कर देंगे 20 तो 120 हो जाएगा, मतलब 120 रुपये उसका मार्क प्राइस है, ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना हो गया 120 रुपये। अब क्या करता है वो इस पर 5% का छूट देता है, मतलब डिस्काउंट देता है, तो इसमें 5% माइनस करेंगे तो छूट किस पर देता है, 120 रुपये पर देता है, क्योंकि अंकित मूल्य पे ही छूट मिलता है। दुकान में हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं तो जो दाम लिखा हुआ रहता है, टंगा हुआ रहता है, तो छूट जब भी हम बात करते हैं तो उसी पे करता है। 400 रुपये उसका प्राइस है, बोलेंगे 10% छूट दे दो, तो 400 का ही 10% तो निकाल कर छूट देगा। वो कितने में खरीदा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ का जो मार्क प्राइस है वो क्या है 120 रुपये, तो उस पर 5% का छूट देता है। 120 का 5% हम लोग निकालेंगे, पहले भी निकालना हम लोग सीख चुके हैं कि 120 का मतलब गुना 5 और 100% मतलब बटा 100। अब इसको हम लोग जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 120 रुपये में 6 रुपये डिस्काउंट कर दिया तो बिका कितना में, 114 मतलब 114 रुपये में बिका है। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि दुकानदार को लाभ प्रतिशत बताएं। अब 100 में खरीदा था और 14 रुपये उसका लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ 14 रुपये, तो यही 14% हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट इसको प्रतिशत इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि ये 100 हमने माना था और 100 में ही 14 लाभ हुआ है। जब भी हम लोग प्रतिशत का बात करते हैं तो 100 में कितना, तो 100 में ही 14 आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर हो गया 14%। तो 100 मानने का यही पे लाभ है हमारा कि कुछ भी प्रतिशत नहीं निकालना है, डायरेक्ट जो आया वो प्रतिशत में ही आया। अगर 200 में ये रहता तो फिर हम लोग 100 से तुलना करते हैं, तो चूंकि 100 में ही 14 रुपये लाभ हो रहा है इसलिए आंसर कितना हो गया हमारा 14%। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। If a trader sells the articles allowing 10% discount to customer, then the gain percent will be। ये क्वेश्चन भी SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कि ये हिंदी में इसका क्या है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यदि कोई व्यापारी उसे 10% छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये भी जैसे पहले वाला क्वेश्चन बनाया था सेम उसी टाइप का है, इसको भी स्पीडली हम लोग देख लेते हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो क्रय मूल्य हमें नहीं पता है तो हमें क्या मान लेंगे 100 रुपये। अब 100 रुपये में क्या बोल रहा है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना है 30% अधिक है, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा 30, तो 30 अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा 130 रुपये। इस पर क्या करता है वो 10% छूट देता है, तो 10% छूट देता है तो इसमें 130 का 10% कितना निकल जाएगा 13, और इसमें 13 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 117 रुपये। तो बेच कितना रहा है 117 रुपये, तो 100 रुपये में खरीदा 117 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया 17%, यही आंसर हो गया। इसको अगर हम लोग एग्जाम में बनाएंगे तो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे वैसे ही इसको देखेंगे कि 100 रुपये में खरीदा और इसका दाम रखा 130 और बेच कितना रहा है 10% डिस्काउंट करेंगे तो बेचेगा 117 में, तो 100 में खरीदा 117 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया 17%, ये हमारा आंसर हो गया। ये रिविजन के लिए हमने 2 क्वेश्चन इसको बता दिया क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है और ये दोनों क्वेश्चन SSC में आया हुआ भी है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। अगर आपने अभी तक जो भी क्वेश्चन सारे अब समझ लिए हैं तो ये बस 10 सेकंड का, इसे 10 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा।
बस अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, पॉज करके देखें, रोक रोक के देखें, समझ कर देखें। अगर आपने समझ लिया है तो इस क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड लगेंगे और आप भी धीरे धीरे इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा और आगे जो भी हम लोग हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो आपका समय धीरे धीरे कम होते जाएगा, क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा लग रहा हो। यहाँ देखिए, एक घड़ी को 1440 में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। हमने जो अभी बताया था कि जब भी लाभ होगा तो 100 में प्लस कर देंगे और हानि होगा तो 100 में माइनस कर देंगे। तो ये 10% का हानि हो रहा है, इसका मतलब बता रहा है कि 90% में बेच रहा है तो कितना में बेच रहा है, 1440 रुपये में। ये बता रहा है कि 1440 में बेच रहा है तो 10% का हानि हो रहा है, इसका मतलब 90% बराबर 1440। तो बोल रहा है कितना में बेचे कि 5% का लाभ हो। अगर 5% का हमें लाभ चाहिए तो जरूर 105% में उसे बेचना पड़ेगा। तो कितना में बेचे ये हमें निकालना है कि 105% लाने के लिए कितना में बेचे। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्रॉस का भी मैंने बताया था कि जिधर दो टर्म हमें मिल रहा है उधर हम लोग पहले रखेंगे 105 × 1440, और जिधर एक टर्म मिल रहा है उधर सिंगल को उसको नीचे रखेंगे। बस इसको हम लोग काट देंगे, सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1680 रुपया, ये हमारा आंसर हो गया। ये काटने के लिए तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे भी इसको काट देंगे हम लोग का आ जाएगा 1680 रुपया। तो ये मात्र, अगर ये टर्म आप समझ रहे हैं तो मात्र आपको 5 से 10 सेकंड एग्जाम में लगेंगे, जो कि बहुत ही कम है। आगे के क्वेश्चन में जहाँ भी आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो वहाँ पर आपका ये मेकअप हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे तो फिर से एक बार समझाता हूँ कि एक घड़ी को 1440 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। तो हानि होती है इसलिए हमने ये 90 ले लिया, अगर लाभ बोलता तो 100 में प्लस कर देते हैं, और ये 10% हानि हो रहा है इसलिए 100 में माइनस कर दिया, तो 90 बराबर 1440। तो वह कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। 5% का लाभ हो मतलब जरूर 100 में 5 ज़्यादा होना चाहिए, तो 105%। तो वो निकालना है, इसको सॉल्व कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगले वॉल्यूम में हम कुछ कठिन प्रश्नों को हल करेंगे और वो भी बिना फार्मूला के। हमारे वीडियो में खास बात यही रहेगी कि आपको फार्मूला को कम से कम यूज़ करना पड़ेगा, जैसा कि आपने इस वीडियो में भी अभी तक देखा है। तो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।